फिरोजाबाद में हमारा सांसद कैसा हो इस बात को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता स्वराज सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनमानस से बातचीत की। न्यूज मैं हूं स्वराज सिंह फिरोजाबाद। जिस तरह से हमारे समाचार 24 की टीम जगह जगह जाकर सर्वे कर रही है, वहीं फिरोजाबाद के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पूरा महासंग्राम चुनाव का हो गया है। आज हमारी टीम गांव कोडरा, जो लोकसभा का लास्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एटा का लगता है, वही लास्ट बॉर्डर जो फिरोजाबाद का लगता है, वहीं उसके लास्ट है यहाँ जो जनपद एटा का लगता है, यहाँ के जो एटा का बॉर्डर माना जाता है, वही बहने माताएं जो खड़ी हुई है। पूछूंगा अब की बार लोकसभा चुनाव के, क्या नाम है आपका? अमीना बेगम। अमीना बेगम, किसको आप जिता रही हैं आप लोकसभा चुनाव में? अखिलेश। अखिलेश को जिता रही हैं आप? क्या नाम है आपका? अखिलेश समरीन। तो किसको जिता रही हैं अब की बार? अखिलेश। कौन सा गांव है ये? कोडरा। कोडरा गांव है। कौन सा गांव है माता जी? कोडरा। अब की बार चुनाव बड़ा जंग का है फिरोजाबाद में, किसको जिता रही हैं आप अब की बार? अखिलेश को। अखिलेश को। क्या नाम है जी आपका? अनम। अनम, तो अब की बार लोकसभा में किसको जिता रही हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। तो अब और बात करूंगा, माता बहने हैं जो गांव कोडरा पड़ता है, अबागढ़ के समीप पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में माना जाता है, जो लास्ट बॉर्डर पड़ता है। बहन जी क्या नाम है आपका? रेशमा बेगम। रेशमा बेगम, अब की बार किसको जिता रही है? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। माता जी क्या नाम है आपका? रुस्माना बेगम। अच्छा रुस्माना बेगम, बताइए किसको जिता रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। माता जी? हाँ हमें तो पता है, अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश, तो यहाँ गांव कोडरा में देखो, जो माता जी ने बताया, वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं और बहनें भी हैं, साफ तौर बताया कि हम इस बार समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, उनके प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे जो पूर्व सांसद हैं अक्षय यादव, उनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ स्वराज सिंह, समाचार 24 फिरोजाबाद। जी अब लोकसभा का चुनाव, एक फिरोजाबाद की अगर बात करें तो एक महासंग्राम बन चुका है। हमारी टीम समाचार 24 की वहाँ जनपद फिरोजाबाद के जो लास्ट बॉर्डर माना जाता है, जिसमें गांव का नाम है कोडरा, वहीं बैठे कुछ सारे किसान भाई, हम किसान भाइयों से पूछेंगे इस वर्ष देखा जाए तो इस लोकसभा के चुनाव में आखिर कौन सा सांसद होना चाहिए, कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। देखा जाए तो फिरोजाबाद में बड़ी दिग्गज पार्टियां खड़ी है, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पूर्व सांसद अक्षय यादव। इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा से ठाकुर बिश्वदीप सिंह, जो भाजपा से सांसद प्रत्याशी के रूप में। बसपा की अगर बात करें तो बसपा से चौधरी बसीर, जो जंग की मैदान में। ये करीबन तीन पार्टियां मानी जाती है। इंडिया गठबंधन जो किया है समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य छह पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां जो दिग्गज मानी जाती है, अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो पूर्व सांसद अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद प्रत्याशी है। जबकि पिछली बार एक बार वो उनकी हार हुई थी, एक बार जीत हो गई, जीत का सहारा बना था। अब इस वर्ष 2024 का चुनाव एक महासंग्राम बन चुका है। उसी गाँव में हमारी टीम पहुँच चुकी है, सबसे किसान भाइयों से बात करेंगे। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? चाचा क्या नाम है आपका? मेरा लाल सिंह है। लाल सिंह, इस वर्ष देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा बताऊं आपको? फिरोजाबाद से किसको जिता रहे हैं? अच्छे को। अक्षय यादव को। देखो चाचा ने बताया, ये किसान भाई है कि हम अक्षय यादव को जिता रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? अजीम। अच्छा अजीम जी, बताइए इस बार लोकसभा के चुनाव में किसकी सरकार बना रहे हैं? सांसद किस साइकिल की? साइकिल की। सांसद ना, साइकिल लुक है। अच्छे को। अच्छे को। अच्छे को। क्या नाम है चाचा जी? सादिक अली। सादिक अली जी, अब की बार विधानसभा लोकसभा का चुनाव है फिरोजाबाद का, एक महासंग्राम बन चुका है। आप गांव के किसान भी हैं, तो किसको आप सांसद बनाना चाहते हैं आप? अच्छा यादव। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? राहुल जैसा। राहुल जैसा होना चाहिए। तो गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन हो चाहे, राहुल गांधी भी पहुंच गए जी। क्या नाम है? परवेज आलम। परवेश आलम, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, फिरोजाबाद का सांसद कैसा चाहते हैं? फिरोजाबाद का सांसद अक्षय यादव को चाहते हैं, और गठबंधन का प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार का वादा किया, 10 साल में कोई रोजगार नहीं दिया। हमारा युवा बैठा हुआ है, परेशान है, पीजी करे हुए हमारे बच्चे बैठे हुए, बीएड करे हुए, टेट करे हुए बैठे, किसी बच्चे को कोई रोजगार नहीं दिया। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, कोई विकास नहीं हुआ हमारा। हमारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हुए, हमारे घर में आठ बच्चे, आठों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट,
कैंडिडेट बैठे, कोई नौकरी नहीं मिली, परेशान है। घर घर राशन, घर घर राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री के गए तो हराम की रोटियों को आदत डाले दे रहे हैं, हराम का खाते रहे हम पड़े पड़े, इससे नहीं पलेंगे राशन से। हम कह रहे हैं कि सबका साथ, किसान भी पेंशन भी दे रहे हैं किसानों के लिए। क्या किसान 2000 रुपए से क्या हो जाएगा, 4 महीने बाद 6 महीने बाद देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराहिम खान। तो देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहते हैं, फिरोजाबाद के सांसद कैसा चाहते हैं आप? सांसद चाहते हैं जो बेरोजगारी खत्म करे, अच्छे काम करे, अच्छे यादव को चाहते हैं। आपके गांव कोंडरा में, आपके गांव कोंडरा के रहने वाले हैं जी? कोंडरा के रहने। तो क्या विकास के मुद्दे क्या रहे हैं जो पिछली 5 साल सरकार नहीं करा पाई? विकास के नाम से तो कोई काम नहीं हुआ गांव के अंदर, कोई विकास है ही नहीं गांव के अंदर। कैसा भी नाम करण या बिजली कुछ नहीं है, बिजली का काम बिल्कुल खराब है, घंटे भर आगे 2 घंटे आगे लाइट आती नहीं, किसान बिल्कुल बेकार है, खराब है किसान। अब की बार कैसा सांसद देख रहे हैं आप? भाई हम सांसद चाहते हैं अच्छा सांसद हो, जो जनता के काम आए, हमें रोजगार दे, बच्चे हमारे घर पे बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं। धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी आपका? मुन्ने का। मुन्ने का कहाँ के रहने वाले, कौन सा गाँव है? अच्छा, कैसा सांसद चाहते हैं अब की बार? अच्छे जैसा। अच्छा जैसा, भाजपा जैसा क्यों नहीं? ठाकुर बीसी भी तो है, उन्होंने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा, क्या विकास नहीं हुआ? क्या विकास चाहिए आपको? पानी की परेशानी है, खेती की परेशानी, पानी मिलता नहीं है। जनपद फिरोजाबाद की अगर बात करें तो भाजपा सरकार ने दावा किया घर घर तक पानी बिजली का इंतजाम, यहाँ कोई विकास नहीं है। आपके गांव में कोई जलाजल परियोजना नहीं आई? नहीं आई। कोई पानी की समस्या नहीं है? क्या नाम है आपका? इंतजाज अली। क्या क्या हाल है आपके गाँव कोटरा का? कोई हाल ना है भाई, हाल। क्या विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? कोई विकास नहीं है यहाँ पे, कोई भाजपा ने बुक कर रही है। पिछले 5 सालों में डॉक्टर चंद्रशेखर यादव सांसद रहे, क्या आपके गांव आए? ना आए, साहब से कल भी ना देखी है। चंद्रशेखर यादव भाजपा के नेता जी आए सांसद जी? नहीं नहीं आए ना। क्या चाहते विकास के क्या मुद्दे आपके? होना चाहिए, किसान परेशान है, लाइट भी नहीं आती टाइम से, और सारा गेहूँ वो अनाज भी सस्ते दामों बिकता है, कोई प्रॉफिट नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत महंगाई है, महंगाई ज्यादा है सब। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सब्बार। सब्बार जी क्या कहना चाहेंगे, एक बार लोकसभा का चुनाव है, महासंग्राम हो रहा है फिरोजाबाद में 2024 का, क्या चाहेंगे? अच्छे यादव को चाहेंगे। अच्छे यादव को क्या विकास के मध्य, पिछले 5 वर्षों में डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी नहीं आए विकास? अरे बिनकी सकल ना देगी कि नहीं? उनकी सकल नहीं देगी, सकल ही ना देगी। डॉक्टर चंद्रशेखर सांसद रहे 5 वर्ष, क्या सकल नहीं देगी आपने? नहीं देगी, नहीं देगी। अच्छा क्या मुद्दे हैं विकास के आपके? विकास के मुद्दे ये हैं कि गरीब लोग बहुत परेशान हैं और किसान भी परेशान हैं यहाँ पर, क्योंकि आवारा पशु गली गली में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, लोग यहाँ बड़े परेशान हैं यहाँ पर। धन्यवाद। तो ये थे गांव कोटरा की जनता, ये किसान, ये युवा, ये जो लोग हैं मेरे साथ जो बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। किरण सिंह आपके विकास के मुद्दे क्या है गांव में? जी सही है सब। अच्छा पिछले 5 वर्षों में भाजपा के डॉक्टर चंद्रशेखर यादव थे, उन्होंने विकास नहीं किया, कोई गांव में नहीं आया? कुछ नहीं करा था, गांव देखा नहीं आप? हमारे दरवाजे पे तो खरंजा भी नहीं हुआ अभी तक। अब गांव में खरंजा नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ये गांव कोटरा की अगर हम बात करें तो गांव में खरंजा भी नहीं हुआ, किसान परेशान, युवा परेशान, मजदूर परेशान, महंगाई को लेकर के हमने खास बातचीत बताया कि महंगाई बहुत अग्रिम सीमा पर पहुंच चुकी है। अगर मुझे देखा जाए तो हमारी टीम आज सर्वे कर रही है, जिस तरह से देखा जाए कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा के डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जो सांसद रहे अभी तक इन्होंने देखा नहीं, नहीं गांव का कोई विकास कराया। अगर महंगाई की बात करें तो चरम सीमा पर महंगाई है। किसानों की बात करी तो वहां साफ कहना है कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार 24 न्यूज सौरा सिंह फिरोजाबाद। अच्छा 24 न्यूज में हूँ सौरा सिंह फिरोजाबाद। जिस तरह से देखा जाए आज पूरे देश में लोकसभा का चुनाव बड़े जोरों पर है, और 7 फिरोजाबाद की अगर बात करें तो 7 मई को चुनाव होना है। आज हमारी समाचार 24 न्यूज टीवी की टीम आज फिरोजाबाद के कस्बा फरिया में पहुंची है, जहाँ के युवा भी है, वृद्ध भी है और कुछ नेता भी है। देखा जाए तो ये किसान यूनियन हलदर के नेता भी है, अगर इनको कैसे कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के हैं या BSP के हैं या भाजपा के हैं। अगर हमारी टीम जिस तरह से सर्वे गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर में कर रही है, यही पूछते हैं कि आखिर देश का कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी को लेकर हमारी टीम आज कस्बा सरिया के बीच एक चौराहे पर भेजी। अब जानेंगे यहाँ व्यापारी भी है, किसान भी है और राजनेता भी है। अगर राजनीतिक की बात करें, अगर राजनीतिक की बात करें और नेताओं की बात करें तो कोई कहता है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर हम
इसी को लेकर, मुद्दों को लेकर आज हमारी टीम कस्बा पर्याम आई है। नेताजी क्या हाल है आज लोकसभा चुनाव में? मैं बिमल यादव गुड्डू, वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय हल्दर किसान यूनियन से हूँ। देखिए, अगर जो भी सरकार कोई भी बन रही हो, किसानों की आवाज को पहचानेगी और सुनेगी, वही इस देश में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग सभी किसान हैं, मजदूर हैं, समझे साहब? तो कम से कम किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। कब से किसान 13 महीने धरने पर रहे, 1011 से करीब किसान हमारे शहीद हो गए, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस नहीं। जो काले कानून 3 बनाए गए थे सरकार के द्वारा, वो बामुश्किल रद्द हो पाए, लेकिन अभी तक जो है हमारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP पर कोई भी गारंटी नहीं दी गई, और नहीं कोई उसके लिए अभी अध्यादेश सरकार लाई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है, मैं नोट करके आता हूँ। विमल जी, देखा जाए तो कही कि किसानों पर जो बात करेगी वही देश पर राज करेगी। क्या लोकसभा का चुनाव मैदान में है? क्या बना, किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो जो बनेगा तो बनेगा, हमारे यहाँ से तो साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी, आखिर क्यों? ऐसा है, हमारे यहाँ तो जो क्षेत्र की जनता है उन्हीं को सपोर्ट करती है। BJP सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। क्या नाम है आपका? रामबृश यादव। लोकसभा का चुनाव मैदान में है इस समय, क्या कहेंगे, किसको जिता रहे हैं? हम सुनिए, अब इसे अब छोड़िए कि हम इसलिए समाजवादी को जिता रहे हैं कि इस जो भाजपा कम से कम जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुत बड़ा जो अंतर है कि जो हमारी पार्टी हमेशा से किसानों का हित देखती रही, कौन समाजवादी पार्टी, लेकिन भाजपा जब से ये आई है तब से हमारे जो किसानों का कोई भी किसी भी प्रकार का जो है विकास कार्य जो है नहीं किया है। किसान निधि पेंशन मिल रही है? किसान निधि पेंशन जो कहीं मिल रही कहीं नहीं मिल रही, समाप्त की जा रही है। 2 महीने मिल गई, कभी 1 महीने मिल गई, कभी 6 महीने मिल ही नहीं रही है, कभी पैसा आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। धन्यवाद। आप युवा है, क्या नाम है आपका? हमको सर बदलाव चाहिए, हम तो युवा है, हमको किसको बना रहे प्रधानमंत्री? बदलाव चाहिए, बदलाव बदलाव चाहिए। किसका बदलाव चाह रहे हैं? दूसरी सरकार चाहिए किसी की। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 1 भी नौकरी नहीं दी आज तक। आप आगे आ जाइए, आप आगे जाइए थोड़ा। अभी पुलिस की जो भर्तियां निकली, क्या हुआ? पुलिस में फॉर्म डाला था वो कैंसिल हो गया, RO डाला वो भर्ती कैंसिल हो गई, BTC की है, BT फार्मा कर रखा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारी बेरोजगारी है। फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव को किसे जिता रहे? फिरोजाबाद से साइकिल जीत रही है, साइकिल जीत रही है, बहुत अच्छे वोटर्स है। और भी आऊंगा भैया, आप युवा आगे आइए, युवा है। पुलिस भर्ती निकाली, उसमें क्या हुआ और क्या चाहिए आपको? भर्ती 5 साल से ऐसे ही होती चली आ रही है, कोई भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है, सभी के पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, और बेवाई भर्ती चली जा रही है, पेपर लीक हो जाते हैं। चाचा जी के पास चलूंगा। चाचा जी, ऐसा प्रतीत होता है आप किसान हैं? हाँ, किसान है। अच्छा, राम खिलाड़ी, BTC कुशकपुरा, यहाँ से साइकिल जीतेगी। और क्योंकि मेरा लौड़ा 4 साल से शुक्रवार में पढ़ रहा हूँ, कोचिंग कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और फिर उसको अंजाम दो, पेपर लीक है, वो मैं कितनी परेशानी बच्चे पढ़ाए रहा हूँ और फ्री पढ़ाए रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। ये थे किसान, किसान के बेटे। एक पुलिस भर्ती जो निकालेगी उसको रद्द कर दिया गया कि कहीं पेपर लीक हुआ है, वही बात दोबारा से करते हैं। चाचा इधर आइए, आप किसान हैं? हाँ, किसान हैं। आप आगे आ जाइए। हाँ, बताओ क्या बदलाव चाहते हैं? अब की बार लोकसभा का चुनाव है, फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहाँ से विश्वदीप जी भी है भाजपा से, पूर्व प्रोफेसर राम गोपाल के यादव, अच्छे यादव है। किसको जिता रहे हैं? अच्छे यादव को। अच्छे यादव को, अच्छे यादव, अच्छे यादव को। यहाँ अगर फिरोजाबाद की, अगर कस्बा फरिया की बात करें तो अच्छे यादव को जिता रहे हैं। यहाँ के किसान भी कह रहे हैं कि किसान जो किसान की हित की बात करेगी वही देश पर राज करेगी, तो वही बोला दीजिए। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा दर्शन। कहाँ के रहने वाले हो? शीतलपुरा के। अच्छा, आप आए हैं तो इस बार लोकसभा का चुनाव है, किसको साइकिल देंगे? साइकिल भी देते हैं, साइकिल। तो यहाँ फरिया की अगर बात करें तो प्रतिबंधे के प्रतिवोटरों के नाम पर एक साइकिल है। चाचा जी, भाई साहब, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान। अब की बार लोकसभा का चुनाव है, बड़ा जंग का मैदान का चुनाव है। भाजपा से विश्व ठाकुर बसुदीप जी है, प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे, अच्छे यादव है, पूर्व सांसद, किसको जिता रहे हैं आपकी बात? देखिए, हम जनता से ये अपील करेंगे, इस बार वोट डालने जाए तो सिलेंडर को याद करके वोट डाला है।
सिलेंडर को याद करके। क्या है सिलेंडर? सिलेंडर गैस सिलेंडर को पहले कितने का आता था, अब कितने का है? कितने का है? महंगाई को देख कर वोट डाले, पेट्रोल को देख कर वोट डाले, जनता की समस्या पढ़ाई कहते हैं हमने घर घर उज्ज्वला फ्री दिया है, राशन फ्री दिया है, देने से कुछ नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार बिल्कुल ठप्प है, रोजगार ठप्प है। उज्ज्वला की अगर बात करें, घर घर गैस हो पहले मिलता था 400 रुपए का, आज 900 रुपए का, 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है आखिर बीते। तो चाचा जी भैया एक बात, युवा है आप, आगे आइए, कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? मैंने बीटीसी कर रखा है। बीटीसी कर रहा है, आज तक नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं मिली आज तक। नहीं मिली? नहीं मिली। तो अगर देखा क्या चाहते हैं युवाओं के लिए? अरे युवाओं को रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दी आज तक। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज तक किसी युवा को नौकरी नहीं, युवा बेरोजगार है। वही चलते हैं, तो नेताजी सवाल मेरा आखिरी आपसे होगा, देखा जाए तो फिरोजाबाद का चुनाव एक जंगी मैदान बन चुका है, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो प्रोफेसर रामगोपाल के बेटे पूर्व सांसद अक्षय यादव ने साफ कहा कि 2 लाख से वोट वाली जीत हो रही है, तो आप तो किसान उनके वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा और हमारी भारतीय अल्दर किसान यूनियन का एक ही उद्देश्य है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, किसानों की जो आवाज बनेगा, हमारी किसानों की समस्याएं सल होंगी, बिजली पानी और शिक्षा ये तीनों ही किसानों के लिए चाहिए, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, सरकार ने स्वामीनाथन आयोग, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे।